हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के जो है सामान्य धन यहाँ पे जो है कवर करने वाले हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे व्यापम हो, चाहे पीएससी में भी आपका प्री मेंस हो, सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। साथ ही जहाँ CG पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, इन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट वाले यहाँ पे जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, उसको भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। साथ ही साथ जो है बहुत ही कम टाइम में तो रिवाइज हो जाएगा और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड यहाँ पे जो है पूरा फैक्ट के साथ पढ़ाया जाता है, ताकि जो है यहाँ पे जो है क्वेश्चन जितने भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए और आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन नहीं देखे जाके देख सकते, पूरा कंप्लीट छत्तीसगढ़ सामान्य धन आप पूरा डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं पूरा मेंस लेवल तक के, तो सुबह मॉर्निंग में सेशन डालता हूँ छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में। अभी छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा रहा हूँ, जिसके लगभग 8 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। कल लास्ट है, कल ख़त्म हो जाएगा छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। इसके बाद जो है हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों पर हम बढ़ जाएंगे, छत्तीसगढ़ की जनजातियों पर हम बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी जो है सेशन से जुड़ जाइएगा। कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा, फ्री आप कास्ट आपको जो पढ़ाया जा रहा है पूरा मेंस लेवल तक के। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। राज्य विधानसभा के, ठीक है, राज्य विधानसभा के अस्थाई जो अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, अस्थाई जो अध्यक्ष होते हैं प्रोटेम स्पीकर के बारे में सही क्या है, मतलब सही है उसको क्या सही है, तो ABCD दिया गया है। तो वह स्पीकर द्वारा नामांकित किया जाता है, वह राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होता है, या सी है वह राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नामांकित किया जाता है, या डी है वह राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है, ठीक है। तो जो प्रोटेम स्पीकर है, तो अस्थायी जो अध्यक्ष बोलते हैं या इसको प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, ठीक, इनके बारे में क्या सही है, तो वो जो है डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो वह जो है जो स्टेट में गवर्नर होते हैं, राज्यपाल के द्वारा जो है नामांकित किया जाता है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जितने भी कंटेंट क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से, उन्हीं क्वेश्चन को मैं लाया हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में सरहुल लोक नृत्य, ठीक है, छत्तीसगढ़ के कौन से जनजाति में सरहुल लोक नृत्य प्रचलित है, प्रधान, बैगा, कोरवा या उरांव जनजाति, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उरांव जनजाति। याद रखिए, तो छत्तीसगढ़ के कौन से जनजाति में सरहुल लोक जो लोक नृत्य है ये आपका प्रचलित है, तो ये आपका उरांव जनजाति हो जाएगा। उरांव जनजाति की बात करूँ तो मुख्य रूप से जो है छत्तीसगढ़ के आपके जो है सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, ठीक है, इन जिलों में जो है ये निवास करते हैं। एक मिनट ना, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के कहाँ कहाँ पे, तो ये जो है आपका मुख्य रूप से देखेंगे तो आपका सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, इन क्षेत्रों में जो उरांव जनजाति निवास करते हैं। इनके युवा गृह को धमकुरिया बोला जाता है, जिसके मुखिया को धांगर महतो बोलते हैं, ठीक है, और जिसके मुख्य देवता है इसको जो है सरना दवी बोलते हैं, ठीक है। ये जभी जो सभी डाटा मैं बता रहा हूँ एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। उरांव जनजाति से लगभग मतलब मेंस 2011 का पेपर में है, PSC में लगभग 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है जी। बाकी जो जनजाति पढ़ाऊंगा उस वहाँ पे और पूरा डिटेल के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। इनमें जो है उनके जो प्रमुख देवता है उसको जो है सरना देवी करते हैं। सभी जनजाति उनके अलग उनके देवी देवता होते हैं, अलग उनके संस्कृति फेस्टिवल, अलग उनके महत्व होते हैं, ठीक है जी। इन्हीं तरह इनके जो प्रमुख बोली है कुरुक बोली, ठीक है, तो ये जो है उरांव जनजाति कुरुक बोली का जो है प्रयोग करते हैं। सरहुल नृत्य, कर्मा नृत्य, ये जो है इनके प्रमुख नृत्य है। कई बार सरहुल नृत्य एग्जाम में पूछा गया है, तो कौन से जनजाति में सरहुल नृत्य किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए उरांव जनजाति में सरहुल नृत्य किया जाता है। और कौन सी बोली का प्रयोग करते हैं, तीन लोग जो है कुरुक बोली का प्रयोग करते हैं। इनके पारंपरिक जो पोशाक होते हैं इसको करिया बोला जाता है। कर्मा त्यौहार जैसे ये जनजाति में मनाइए। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक शिक्षित जनजाति ये प्री 2016 में पूछा गया है और मेंस में भी आया हुआ है, ठीक है। तो सर्वाधिक शिक्षित जनजाति आपका उरांव जनजाति, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है योजना से क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सौर सुजला योजना का शुभारंभ किसने किया था, बलराम दास टंडन जी ने, प्रणब मुखर्जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, गौरीशंकर अग्रवाल जी ने, ठीक। तो सौर छत्तीसगढ़ में सौर सुजला योजना का शुभारंभ ये जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्होंने जो है इसके जो है शुरुआत की थी या इस योजना का शुभारंभ इन्होंने किया था, तो इसको आपको याद रखना है, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। छत्तीसगढ़ के कौन सा जिला है जो अपनी 6 खदानों का टिन जो है उत्पादन करता है, मतलब 6 खदानों से जो टिन उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, बालोद
या आपका बिलासपुर जिला, तो छत्तीसगढ़ के आपका दंतेवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन दंतेवाड़ा जो है ये जिला अपने जो है 6 खदानों पर टीन उत्पादक करते हैं। ठीक है, अगर मैं टीन की बात करूँ, ठीक है, टीन ये जो है एक जो है सामरिक महत्व का जो है खनिज है। कौन से चट्टान से, तो याद रखिए कैसेटे राइट। तो कैसेटे राइट जो है चट्टान से, देखे होंगे टीन जो है, टीन सबसे ज़्यादा हमारे पूरे भारत में देखे, टीन जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जो है पाया जाता है, भारत भर में देखेंगे तो कैसेटे राइट चट्टान से जो है टीन की प्राप्ति होती है छत्तीसगढ़ में जो है दक्षिणी छोर में। ठीक है, दक्षिण छत्तीसगढ़ में जो है पाई जाती है, और यहाँ पे देखेंगे तो भारत में एकमात्र टीन उत्पादक हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और कोई भी स्टेट में नहीं पाया, इसको भी याद रखना है, 100% उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ से यहाँ पे होती है। तो भारत में एकमात्र टीन उत्पादक कौन सा जो है आपका जो है राज्य है, तो हमारा छत्तीसगढ़, इसको याद रखना है। और ये जो है ये क्वेश्चन RI के पेपर में है और 2011 के मेंस में आया हुआ है, और CGPSC पूरी 2013 के पेपर में पूछा गया। ठीक है, बाकी और एग्जाम में आया हुआ है, व्यापम में, ठीक है, इंजीनियरिंग के पेपर में। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अगर मैं देखूंगा इसका उत्खनन जो है टीन जो रिसर्च सेंटर रायपुर में बनाया गया, बार्क के द्वारा स्थापित किया गया अनुसंधान केंद्र, तो ये बार्क के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। छत्तीसगढ़ में टीन का उत्पादन देखेंगे तो CMDC के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका दंतेवाड़ा में देखेंगे तो बचेली कटे कल्याण यहाँ पर जो इसका सबसे ज़्यादा भंडारण है टेकनार वगैरह में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। छत्तीसगढ़ की कौन सी दिशा या किस दिशा में झारखंड की सीमा लगती है, तो आपका दक्षिण पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, या आपके पूर्व में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, याद रखिएगा, तो उत्तर पूर्व की दिशा में जो है कौन सा स्टेट लगता है, तो झारखंड की सीमा यहाँ पर लगती है। तो आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ के जो है यहाँ पर जो है 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, बाकी आप सभी को पता है इनके बारे में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस राज्य का सबसे प्रसिद्ध वन्य जीव उद्यान, ठीक है, नेशनल पार्क की बात करें, कौन सा है जो राज्य का मात्र ये जो मात्र जो है एक बाघ अभयारण्य है। ठीक है, ये बारनौपर वन्य जीव अभयारण्य, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, या इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर जो है मतलब जो है बाघ वगैरह जो है पाई जाती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, इंद्रावती नेशनल पार्क या इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में है, तो ये आपका बीजापुर जिला में स्थित है। इसकी स्थापना जो है लगभग 1978 में, 1978 में इसे स्थापना किया गया था, लगभग 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर बात करूँ यहाँ पे इसकी बात करूँ तो जो प्रमुख जीव है, जैसे कि अभी देखे हैं ये जो है बाघ वगैरह जो है टाइगर, इसमें जो प्रमुख जीव पाया जाता है। और इसी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो याद रखिए कि इसमें जो है इंद्रावती नदी इसमें जो है प्रवाहित होती है। और जो है राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में घोषित किया गया था, और छत्तीसगढ़ सरकार ने 2009 में यहाँ पर टाइगर रिजर्व के रूप में इसको लागू किया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है, तो बीजापुर में है। ठीक है, ये आपके PSC में कई बार यहाँ से क्वेश्चन मेंस वगैरह में भी आया हुआ है, 2013 के पेपर में, 11 के पेपर में, PSC प्री में लगभग 16-17 में लगातार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो जितने भी कंटेंट तैयार किए जाते हैं बहुत मेहनत से कंटेंट को तैयार किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं मतलब कहीं से भी क्वेश्चन उठा के आपको पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के लगभग कितना भाग जो है वनों से आच्छादित है, 47%, 44%, 37% या 51%। तो इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा 44%। ठीक है, 44% जो है छत्तीसगढ़ लगभग इतना भाग जो है वनों से आच्छादित है, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किस स्थान को जो है विश्व के सबसे प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है, ये आपका जो है सीता बेंगरा, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक है, आपका सीता बेंगरा। ठीक है जी, ये आपका सीता बेंगरा और जोगी महाराज की गुफाएँ, या गढ़ धनोरा ईंटों का टीला, या मल्हारगढ़, या आपका रतनपुर का कंठी देवल। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ के मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के जो है ये कौन से स्थान का जो है विश्व के सबसे प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सीता बेंगरा का गुफा और आपका जोगी महाराज का गुफा। ठीक है, सीता बेंगरा और की गुफा कहाँ पे, दोनों ये आपका जो है सरगुजा जिले में। ठीक है, याद रखिए यहाँ से बहुत बार आपके क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये जो है सरगुजा जिले में स्थित है। विश्व के जो प्राचीनतम नाट्यशाला के जो साक्ष्य यहीं से जो है प्राप्त होंगे, कहा जाता है लगभग 200 ईसा पूर्व में जो भरत मुनि ने अपनी जो है नाट्यशाला की रचना यहीं पर इन्होंने किया था। साथ ही साथ जो जोगी महाराज का गुफा, ठीक है,
आपको देखने को मिला, ये भी आपका सरगुजा जिले में स्थित है, जहाँ पे मौर्यकालीन अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए, जहाँ पे इसमें जो है नर्तक देवदत्त और नर्तकी जो सुतनिका है, इनके जो प्रेमिकता है, ठीक है, प्रेमिका है, इनके जो प्रेम गाथा का भी वर्णन यहाँ पे किया गया है। और इसी अभिलेख की जो भाषा पाली है और लिपि ब्राह्मी लिपि है, ठीक है, यहाँ पर जो है पाया गया है, कभी जाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा। साथ ही साथ एक और गुफा है लक्ष्मण वेंगरा की गुफा, ये भी सरगुजा जिले में, तीनों यहीं पे स्थित है। सरगुजा से और क्वेश्चन एक पूछ सकते हैं कि जो महाकवि कालिदास द्वारा इसी पहाड़ी में अपने जो है उनके जो है रचना मेघदूत, ठीक है, इन्होंने जो इसकी जो रचना इन्होंने किया था, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में जो है रूपांतरण मुकुटधर पांडे द्वारा जो है किया गया था। सरगुजा को यहाँ पे इन्होंने जो है स्वर्ग का प्रवेश द्वार यहाँ पे किया गया है, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। गोंडवाना तिल प्रियवंदा और जो है ब्राह्मण कन्या नामक जो उपन्यास छत्तीसगढ़ के किस विद्वान ने लिखे हैं? विनोद कुमार शुक्ला, श्रीधर वेंकटेश केतकर, क्रांति त्रिवेदी है, या आपके सुरेंद्र दुबे जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। श्रीधर जो वेंकटेश केतकर, इन्होंने जो है गोंडवाना तिल जो प्रिवंदा और जो है ब्राह्मण कन्या जो है जो उपन्यास है छत्तीसगढ़ के जो है जो विद्वान है लेखक श्रीधर जो वेंकटेश केतकर, इनके द्वारा जो है ये इन्होंने जो है इस उपन्यास का जो है इनके द्वारा लिखा गया है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल, इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए देख लेते हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, इनके जो प्रमुख रचना है, ठीक है, वहाँ जो है आदमी चला गया, इनकी प्रमुख रचना है नौकर की कमीज, इनका फेवरेट है, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लगभग जय हिंद खिलेगा तो दिखेंगे, ये जो इम्पोर्टेंट इनकी रचना है जो एग्जाम में क्वेश्चन आप विनोद कुमार जो शुक्ल है, इनको पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार भी इनको जो है प्राप्त हो चुकी है सन 2000 में, तो ये सभी को आपको याद रखना है। बाकी जो है चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, ठीक है, और बढ़िया जो है तैयारी करते रहिएगा। यहाँ सब छत्तीसगढ़ से मान्य धन जो है बढ़िया जो है तैयारी हो जाएगा, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं, जितना भी कंटेंट तैयार होते हैं, ठीक है, आपको जो है एग्जाम के दृष्टि से जो है तैयार होते हैं, ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही।